वडजाई रोड उड्डाणपूल संदर्भात लोकसंग्रामच्या वतीने जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आलेली निवेदन. धुळे शहराजवळ मुंबई आग्रा महामार्गावर वडजाई रोड पुलाजवळ सर्व्हिस रोड गटारी आणि लाईट करण्याबाबत उपजिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. लोकसंग्राम अल्पसंख्याक विभागाच्या वतीने देण्यात आलेली निवेदन. निवेदनात म्हटले आहे की मागील एक वर्षापासून लोकसंग्राम पक्षाच्या वतीने जिल्हा प्रशासनाला वडजाई रोड ब्रिज संदर्भात सतत लेखी निवेदनाद्वारे सर्व्हिस रोड गटारी आणि लाईट करण्याबाबत मागणी करण्यात आली आहे. मात्र आमच्या मागणीवर शासनातर्फे तसेच सदर कंपनीतर्फे कोणताही प्रतिसाद दिला जात नसल्याने आमच्या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी आम्ही पुढील महिन्यात लेखी सूचना देऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत धरणा उपोषण आंदोलन सुरू करणार आहेत. याची धुळे जिल्हा प्रशासनाने नोंद घ्यावी असा इशारा लोकसंग्राम अल्पसंख्याक आघाडी धुळे जिल्हा प्रमुख अन्सारी जाहीद हुसेन गुलाम कादिर यांनी दिला आहे. निवेदन देते वेळी जाहीद हुसेन अब्दुल कादिर, नेहाल अहमद अन्सारी, शाहिद अबू अहमद, गुलाम रसूल मोहम्मद हनीफ, खलील अहमद महेंदी हसन, आबिद मुश्ताक अहमद मनियार उपस्थित होते. मैं जाहिद हुसैन लोक संग्राम अल्पसंख्याक अध्यक्ष हूँ. हमारे शहर में वर्जई रोड पर ब्रिज के बाजू में दोनों बाजू चौधरी पेट्रोल पंप के तरफ दूसरा साहिल होटल के तरफ दोनों बाजू सर्विस रोड नहीं होने की वजह से आए दिन हादसा होता है और बारिश के दिनों में गटर भी नहीं है. गटर नहीं होने की वजह बारिश के दिनों में नेशनल हाईवे का पानी गरीब बस्तियों में आता है, लोगों के प्लॉट में आता है और बहुत सारा नुकसान होता है. ये तकरार मैं 2021 से दे रहा हूं, लेकिन महानगर पालिका ने और जिला अधिकारी साहब ने MG अपना NHI ऑफिस जो नेशनल हाईवे की ऑफिस है उसको आज तक कार्रवाई के लिए कोई लेटर दिया नहीं. जिला अधिकारी साहब को मैं 15 दिन पहले भी एक लेटर दिया, 15 से 20 दिन पहले, कि हमारे शहर में जो वर्जई रोड है, हम मुंबई से आते, मुंबई से धुलिया आने तक वर्जई रोड के पुल के पास सिर्फ लाइट नहीं है, लेकिन मालेगांव, जोड़गा, अरुई, हर जगह सर्विस रोड के बाजू से लाइट है, सर्विस रोड है, गटर है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है. ये 20 दिन पहले भी मैं लेटर दिया, लेकिन वो कार्रवाई होने पर आज हमने निवेदन दिया है जिला अधिकारी साहब को, कलेक्टर साहब को और माहिती साठी अपना SP साहब को भी दिया है और शहर पुलिस स्टेशन को भी दिया है और 40 गांव पुलिस स्टेशन को, नितिन गडकरी साहब को भी एक पोस्ट से रवाना किया और ईमेल किया है. अगर से ये रास्ते का काम जल्द से जल्द शुरू नहीं होता है तो हम धरना आंदोलन बेमुद्दत धरना आंदोलन जिलाधिकारी कार्यालय के सामने करने वाले हैं. ऐसा आज मैंने अल्टीमेटम दे के आया और इंशाल्लाह ज्यादा बड़ी बात नहीं करता कि ये काम शुरू नहीं हुआ तो मैं थोड़े दिन के बाद जरूर धरना आंदोलन करूंगा और मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि ये बार मैं गडकरी साहब को भी बहुत अच्छे से ईमेल किया हूँ और पोस्ट से भेजा हूँ तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये काम शुरू हो सकता है. और नहीं शुरू हुआ तो आखिरी उसका रास्ता वही है कि मैं धरना आंदोलन करूंगा. मेरे साथ के सभी लोग जैसे हमारे खलील भाई है, आबिद मनियार है, नयाल मास्टर है, साहिब भाई है, हम लोग सब मिलके आज ये तय किया कि अपने को ये काम नहीं हुआ तो धरना आंदोलन करना है. इतना कहते हुए मैं मेरे दो लड़के